हाय फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके लिए लाई हूँ हिल्सा फेस को कैसे हम आसान तरीके से घर पे कट करते हैं, उसके ट्रिक्स मैं आप सबके साथ आज मैं शेयर करने वाली हूँ। तो घर पे हम कैसे आसान तरीके से हिल्सा फेस कट करते हैं, वो भी बेंगोली नाइफ से यानी ट्रेडिशनल नाइफ से, वो मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। तो देख सकते हो ये हमारा फेस भी काफ़ी बड़ा है, तो वो कट करने के बाद कुछ इस तरीका से पीसेस में निकलने वाला है। तो चलो इसको हम कट करते हैं। इसको कट करने के लिए हमने यहाँ पे ले लिया एक ट्रेडिशनल नाइफ और हमारा जो फिश। तो पहले हम फिश के जितने सारे पंख है यानी फिन्स है, फिन सारे फिन्स को हम कट कर लेंगे धीरे धीरे। इसी तरीके से कट करना है फ्रेंड, देख सकते हो एकदम इजी तरीका मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आप इजीली ये घर पे इसी तरीके से फिशेस को कट कर सकते हो। तो देख सकते हो यहाँ पे हम इसके सारे जितने सारे जो स्केल्स हैं, सारे स्केल्स को हम इसी तरीके से निकालेंगे। देख सकते हो हमारी जो ट्रेडिशनल नाइफ है, इससे हम घिसते हुए इसी तरीके से सारे स्केल्स को हम निकालेंगे पहले। तो देख सकते हो यहाँ पे हमारा जो फिशेस के जितने सारे स्केल्स है वो सारे धीरे धीरे निकलने वाला है। देख सकते हो ये निकल चुका है। अब इसी तरीके से आसान तरीके से इसी तरीके से आप भी कर सकते हो घर पे, और इससे अब देख सकते हो फ्रेंड, अब हम इस फिश को इसके हेड को यहाँ से निकाल देंगे। तो कुछ इस तरीके से हम निकाल रहे हैं, देख सकते हो इसके पेट के अंदर, फिश इसके पेट के अंदर जितने सारे एंत्रियाँ हैं उसको हम टांग के धीरे से हम निकालेंगे बाहर। तो उसको भी हमने बाहर निकाल दिया है, अब देख सकते हो। अब हम यहाँ से एक फिश इसके पीस को कट करेंगे इसी तरीके से। तो बहुत ही सावधानी से कट करना है फ्रेंड, देख सकते हो कुछ इस तरीके से हम कट कर रहे हैं। बहुत ही आसान तरीका है, आपको दूसरे के ऊपर निर्भर होना बिल्कुल नहीं पड़ेगा अगर आप ये ट्रिक्स अपनाएं तो। अगर आपको कट करना है तो आप यही तरीका ज़रूर अपनाएं और इसी तरीके से आप कट कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा फिश के सारे पीसेस बाहर, हमने यहाँ पे इस फिश को कट कर चुके हैं। अब हम हमारे फिश के हेड को हम क्लीन कर लेते हैं, इसके पेट के अंदर से, फिश के अंदर से जो ये फुलका है इसके, उसको भी हम निकाल देंगे अच्छे से। इसी तरीके से निकालने के बाद ये हमारा फिश बिल्कुल, फिश के हेड बिल्कुल क्लीन हो चुका है। अब इसको देख सकते हो इसके साथ एक पिथोली है, उसको हम बाहर निकाल देंगे। पिथोली को बाहर निकालने के बाद अब इसमें हम देख सकते हो इसके पथरी है, तो पथरी को भी हम कट कर लेंगे, वो खाने में बहुत ही अच्छा जाता है, उसको भी हम कट करके ले लेंगे। तो दूसरा जो हमारा फिश है उसको भी हम कट कर लेते हैं, उसके भी जितने सारे फिन्स हैं इसी तरीके से हम धीरे धीरे उसको भी कट कर लेंगे फ्रेंड्स। देख सकते हो फ्रेंड्स, बहुत ही इजी और आसान तरीका है। अगर आपको घर पे ये कट करना है तो सिर्फ एक ट्रेडिशनल नाइफ ले लेना है और आप इसी तरीके से इजीली कट कर सकते हो। तो देख सकते हो ये हमारा दूसरा जो फीस, इसको भी मैं इसी तरीके से स्केल्स सारे इसके भी निकाल दूंगी इसी तरीके से, सारे स्केल्स को इसी तरीके से निकाल देना है। ये हमारा जो फिश है बिल्कुल फ्रेश है, इसलिए इसका जो कट करने के बाद आप देख सकते हो उससे जो खून निकल रहा है ये बिल्कुल ताज़ा है, फिश बिल्कुल ताज़ा है। और अगर कुछ दिन के फिश होते तो उसके खून के कलर इतना ज़्यादा ताज़ा नहीं होता और फ्रेश नहीं लगता दिखने में, देख सकते हो ये फेस बिल्कुल फ्रेश है। तो अब इसी तरीके से इसको, इसके भी जितने सारे स्केल्स हैं वो भी मैं निकाल चुकी हूँ। अब इसके भी फेस के, इस फेस के भी हेड को मैं अलग कर दूँगी कट करके,
कुछ इस तरीके से हमको यहाँ पे कट करना है। और इसके पेट के अंदर से जितने सारे एंट्रिया है उसको भी हम बाहर निकालेंगे। देख सकते हो इस तरीके से मैंने ये निकाल चुकी हूँ। और इसके पीस इस फिश के भी मैं पीसेस निकालने वाली हूँ। और फ्रेंड, अगर आपको हमारा इस वीडियो से कोई भी हेल्प हुआ हो तो प्लीज़ फ्रेंड लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। कुछ इस तरीके से हमको सारे पीस को कट कर लेना है फ्रेंड। अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो प्लीज़ फ्रेंड लाइक ज़रूर करना और पास में दिए गए बेल आइकन को दबाएं और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली में। फ्रेंड तो देख सकते हो ये हमारा दूसरा पीस सारे पीस के पीसेस चुका है, सारे पीस के पीसेस और इसको सब ले चुकी हूँ। अब ये मैं हमारा जो फिश हेड है इसके अंदर से पित्त थली है इसके भी हम बाहर निकाल देंगे। और इसके भी जो फुलका है इसको भी हम निकाल देंगे। इसी तरीके से निकालने के बाद फिश हेड को भी हम रख देंगे हमारा प्लेट पे। देख सकते हो ये हो गया हमारा पीस बिल्कुल कटिंग हो चुका है। अब इसके जो एंतड़िया है इस एंतड़िया को भी हम ले लेंगे। इसको फ्राई करने के बाद अगर सब्जियों में डालेंगे तो बहुत ही मज़ेदार बनता है इसके साथ। तो ये हो गया हमारा फिश कटिंग। तो आपको हम दिखाते हैं, आप देख सकते हो जितने सारे पीसेस है ये हो गया हमारा फिश बिल्कुल कटिंग हो चुका है। अब इसको हम वॉश कर लेंगे। वॉश करने के बाद आपको दिखाते हैं, आप देख सकते हो ये बिल्कुल फ्रेश ताज़ा फिश की आप फ्राई कर सकते हो या फिर हिलसा की पातुड़ी बना सकते हो या फिर आप हिलसा भापा बना सकते हो। चाहे तो बहुत सारी रेसिपी यहाँ पे ट्राई कर सकते हो हिलसा फिश के साथ। अगर फ्रेंड आपको हमारा ये ट्रिक्स पसंद आया हो तो प्लीज़ फ्रेंड लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।